अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम अरीबा, लाइव केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर वाफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं वो है एसिड फोर्स। तो एसिड फोर्स के हवाले से आज हम बात करेंगे, तो आज की वीडियो जो है बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एसिड फोर्स जो मेडिसन है बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है कमज़ोरी वीकनेस के लिए। किसी भी किस्म के यानी कि कमज़ोरी आपके अंदर वक्त से पहले अगर आ जाए, जिसे यानी कि आप यंग एज है, आपकी जवानी में है, तो एसिड फोर्स का आप इस्तेमाल करें, बिला झिझक इस्तेमाल करें, आपको यकीनन इससे बहुत जल्दी फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यकसा मुफीद है, मतलब मर्द और औरतों के लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। वक्त से पहले आपके अंदर बुढ़ापा आ जाना या कमज़ोरी आ जाना या वीकनेस आ जाना, इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है ये एसिड फोर्स। इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके रिज़ल्ट आप खुद देखेंगे और आपको खुद पता चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त मेडिसिन है। मसलन जिससे कि आप चलते हैं, आपको चलने में सांस का फूल जाना, वक्त से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब उम्र से पहले, अगर आप जवान हैं 20 साल के और आपके आप 20 से लेकर आप 30 साल के अंदर हैं और आपके अंदर कमज़ोरी पाई जाती है, मतलब आपकी टांगों के अंदर दर्द होना, थोड़ा सा चलते हैं आपको थकान का एहसास हो जाना, या आपने थोड़ा सा काम किया जल्दी लिया, आपने कुछ बोला तो आपको यानी कि फंदा सा लग जाना या सांस का फूल जाना, तो यह वक्त से पहले अगर उम्र से पहले आपको इस तरह की कंडीशन होती है तो आप कमज़ोरी का शिकार हैं। आप थोड़ा सा चलते हैं आपके पैरों में दर्द हो जाना, आप कोई काम करते हैं तो आपको जल्दी थकावट का एहसास हो जाना, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है तो आपकी कमर में दर्द का एहसास होना, आपसे झुका नहीं जाना, या आपकी पिंडलियों के अंदर पैरों के अंदर शदीद किस्म का दर्द होना, या वक्त से पहले जो है वो आपके बालों का सफ़ेद हो जाना। अगर आपके बाल जो है वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप बिला झिझक होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करें एसिड फोर्स को, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत जल्दी फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आप ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो रहे हैं, एक होता है जिस्मानी कमज़ोरी, एक होती है ज़हनी कमज़ोरी, मतलब आप जल्दी थक जाते हैं ज़हनी तौर पे, आप थोड़ा सा काम करते हैं फिर आपसे काम नहीं होता, आप चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाते हैं, या आप चीज़ें भूलने लग जाते हैं, कोई चीज़ रखते हैं उसको भूल जाते हैं, आप अगर ज़हनी तौर पर मेंटली तौर पर भी अगर वीकनेस का शिकार हैं तो अभी आप एसिड फोर्स का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। याद रखें, ये लड़कों और लड़कियों के लिए यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए यकसा मुफीद है, दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हों, बाल वक्त से पहले झड़ रहे हों, मतलब जो हेयर फॉल हो रहा हो, गंजपन का शिकार हो रहे हों, मेल हो या फीमेल हो, या बालों का बहुत जल्दी सफ़ेद होना हो, या आपके सर में दर्द सा रहना हर वक्त, या आपकी आंखों के अंदर दर्द की शिकायत रहना, या वीकनेस रहना, बहुत जल्दी आपकी सांस का फूल जाना, या आपसे किसी काम का सही तरीके से नहीं कर पाना, तो ये आपकी जो कमज़ोरी जो ये एसिड फोर्स आपकी बहुत जल्दी ये वीकनेस को दूर कर देगी। एसिड फोर्स जो है तमाम कमज़ोरियों का इलाज है, बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। याद रखिए, एसिड फोर्स जो है बहुत जल्दी रिज़ल्ट देने वाली मेडिसिन है, और ये एसिड फोर्स जो है मर्दों के लिए, अगर स्पर्म काउंट अगर उनके कम हो जाते हैं, स्पर्म काउंट अगर जरासीम जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, उसमें भी इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे जो है स्पर्म काउंट जो होंगे बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएंगे, और ये जो है सीमेन को भी, जो मर्द के सीमेन होता है मादा तौलीद है, उसको भी बहुत जल्दी ये गाढ़ा करती है एसिड फोर्स। तो एसिड फोर्स जो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आप इसको जर्मनी में भी ले सकते हैं, इसको पाकिस्तानी में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको डॉक्टर रेक्वेज की भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको डॉक्टर मसूद की भी यूज़ कर सकते हैं, और भी कंपनियाँ होती हैं, लेकिन आप इसको पैक मेडिसिन लें, इंशाल्लाह सील्ड मेडिसिन लें, और उसको लूज़ में मत लें, खुली हुई मेडिसिन कोई भी ना लें, आप इसको सील्ड मेडिसिन लें, पाकिस्तानी ले लें, बहुत सस्ती मेडिसिन मिल जाती है आपको, 100 से 120 रुपये के अंदर ये मेडिसिन मिल जाएगी, जो आपकी तकरीबन 1 से 2 महीने के लिए काफ़ी होती है, आप इसको इस्तेमाल करें, इंतहाई सस्ता इलाज है, बहुत जल्दी रिज़ल्ट देने वाली मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो चलिए बात करते हैं, आपने इसकी कितनी डोज़ इस्तेमाल करनी है।
और किस पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। तो आपने एसिड फोर्स 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 2 कतरे सुबह इस्तेमाल करेंगे और 2 कतरे शाम को इस्तेमाल करेंगे खाने के 1 घंटे बाद। आप इसको दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें और 1 महीने तक यूज़ करें, इंशाल्लाह आपकी तमाम कमज़ोरी, तमाम वीकनेस को बहुत जल्दी दूर कर देगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देने वाली मेडिसिन है। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं या कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें कौन सी मेडिसिन आपके लिए बेहतर है या कौन सी मेडिसिन आपके लिए बेहतर नहीं है। डॉक्टर जो आपको मशवरा देंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बाज़ औक़ात ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपको कोई मेडिसिन नुकसान दे सकती है, तो आपकी जो मेडिकल कंडीशन है वो डॉक्टर ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो ख़ुद से इलाज करने से बेहतर है कि सेल्फ मेडिकेशन आप ना करें, डॉक्टर का मशवरा ज़रूर ले लें। वैसे होम्योपैथिक के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, होम्योपैथिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।